तो ही गाइज, आज की एक और न्यू वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी अपने मूवी क्यूब के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ऐड करना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हो। आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो उसके लिए गाइज आपको कौन कौन सा प्रोसेस है मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको प्रोसेस कोई नहीं बताया होगा, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। क्योंकि गाइज मूवी क्यूब के अंदर एक नया अपडेट आ चुका है और जो मूवी क्यूब का बैलेंस है ना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना बहुत ही इजीली हो सका है। गाइज देख सकते हो मेरे मूवी क्यूब के अंदर यहाँ पे पे लेटर में यहाँ पे 60,000 का लिमिट मिल चुका है, तो इसे मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो अगर गाइज आप भी ट्रांसफर करना चाहते हो ना तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और ले मैं बताता हूँ। उसके लिए गाइज आपको क्या करना है कि ये जो वीडियो देख रहे हो ना उसके जस्ट नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से एक लाइक कर देना है। तो लाइक कर देने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है कि अगर अभी तक मेरे चैनल पर ना है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है फटाक से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में जो बेल आइकन की घंटी है ऑल पर सिलेक्ट कर देना है ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, उस वीडियो को सबसे पहले आप देखकर फायदा उठा सको। तो चलिए अब मैं आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने मूवी क्यूब के जो वॉलेट के पैसे हैं या फिर कितना भी हो वो चाहे 60,000 या फिर 50 या फिर 100 या फिर 5,000 वो सारा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है कि आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे मूवी क्यूब सर्च मार लेना है। मूवी क्यूब के अंदर आपको अपडेट आ गया होगा, तो पहले मैंने इसे प्रिंट क्लिक कर लिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने भी अपने अभी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मूवी क्यूब से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया है, तो यहाँ से आपको अपडेट आ गया होगा। तो पहले आप अपडेट कर लीजिएगा, अपडेट नहीं करोगे तो आपको मैं वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद गाइस अब आपको क्या करना है कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल जिसमें मैंने एक पे लेटर एप्लीकेशन का लिंक दे दिया हूँ या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वहाँ से भी डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सर्च बार में भी जाकर सर्च मार सकते हो पे लेटर का। जैसे सर्च मारोगे तो यहाँ से आपको ये वाला डाउनलोड कर लेना, देख सकते हो मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद गाइस फिर से यहाँ से ओपन कर लेना। अगर आपके मोबाइल में पहले से पे लेटर डाउनलोड है तो यहाँ पे गाइस उसके अंदर भी अपडेट आ गया होगा, तो उसको भी अपडेट कर लेना। अब गाइस यहाँ पे जैसे आप पहली बार डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे आपको 15 रुपए कैशबैक मिल जाएगा तुरंत गाइस। अब जैसे ही यहाँ पे अपना नंबर डाल के लॉग इन करते हो उसके बाद यहाँ पे आपको 15 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। तो अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा ऐड का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप जितना अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहे हो मूवी क्यूब से यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। चलिए मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे 5 रुपए फिलअप करता हूँ, 5 रुपए फिलअप करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे को 3 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे 1,000 या फिर 10,000 भी फिलअप कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए मैं आपको 1,000 फिलअप करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे 25 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। तो इस तरह से गाइस जितना आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहे हो उतना आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताने के लिए 5 रुपए फिलअप करता हूँ। फिलअप करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ऐड मनी पे क्लिक कर देना। जैसे ही ऐड मनी पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप ऐड मनी पे क्लिक करते हो उसके बाद आपके मोबाइल में कुछ प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद अगला जो इंटरफेस खुल कर आएगा आपके सामने देख सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपका नाम है, यहाँ पे आपका नंबर शो करेगा। उसके बाद फिर नीचे में आना है, नीचे में आने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हो उसके बाद ई वॉलेट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देख सकते हो 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हो पहला पेटीएम, दूसरा अमेजोन पे और तीसरा है मूवी क्यूब। तो गाइस अगर आप अपने अमेजोन पे का भी पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है अमेजोन पे। लेकिन फिलहाल में मैं आपको बताने वाला हूँ मूवी क्यूब पे के जो वॉलेट में पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके, तो यहाँ पे चले मूवी क्यूब पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा और पे हो जाएगा, तो वहाँ से गाइस सक्सेसफुली पे हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हो 2 अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है, आईएफएससी कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है, नेम फिलअप कर देना है, अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है। यहाँ पे यूपीआई द्वारा यहाँ पे अपना पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो यूपीआई द्वारा भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यूपीआई आईडी फिलअप करने का रहा है। और यहाँ पे गए आपको यहाँ पे सारा चीज गूगल पे भी शो कर रहा है, फोन पे शो कर रहा है, पेटीएम शो कर रहा है, यूपीआई भी शो कर रहा है। तो चलिए मैं फिलहाल में आपको यूपीआई द्वारा ही बता देता हूँ। यहाँ पे यूपीआई आईडी फिलअप करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद जितना अमाउंट आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहे हो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको सारा चीज फिलअप कर देना है जैसे कि मैंने बता दिया। उसके बाद फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हो उसके बाद गाइस आपसे कुछ एम पिन मांगा जो कि आपने क्रिएट किया था 4 अंक का डिजिट कोड, वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद फिर डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा।
कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो फिलहाल में मैं अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करता हूँ। मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है, तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर गाइस इसके आगे की प्रोसेस अभी भी आपसे नहीं होता है तो कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बताऊँगा आपको पूरा प्रोसेस उसमें बता दूंगा। तो अगर अभी तक अपने फ्रेंड या रिश्तेदार के साथ शेयर नहीं किया तो फटाफट से जाकर अपने फ्रेंड या रिश्तेदार के साथ शेयर कर दो। अगर अभी तक मेरे चैनल पर नया तो जरूर करके सब्सक्राइब बटन दिख रहा है फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक बेल आइकन की घंटी को ऑल पे नहीं सिलेक्ट किया तो वो भी सिलेक्ट कर देना, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, वीडियो को देखकर सबसे पहले आप फायदा उठा सको। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।